हेलो दोस्तों, नमस्कार। माय नेम इज़ प्रदीप। तो वेलकम लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो हमारी एनओसी की प्रॉब्लम थी, जो हमारा जो है लाइसेंस बनवाते थे या फिर रिन्यू करवाते थे, वो अब झंझट जो है हटा दिया गया है। अब हमें जो है एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं है हमारा लाइसेंस बनवाने के लिए, क्योंकि सरकार ने जो है 28 फरवरी 2019 को एक सर्कुलर लागू किया था, जिसमें ये साफ साफ कह दिया था जो भी हमारे राज्य हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट के या फिर जो भी हमारी सरकार है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं और उसको बनवाते हैं, तो कोई भी आपसे आरटीओ या डीटीओ कोई भी आपसे अगर मांगता है कि हमें अपनी एनओसी ला के दीजिए, तो आप उसके सामने ये शर्त रख सकते हैं कि अब ये नियम नहीं है। तो मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट रोड हाईवे द्वारा सभी राज्यों में ये नोटिस जारी कर दिया गया है, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसके द्वारा जो एनओसी का सिस्टम है ये अब हटा दिया गया है, तो आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। तो एनओसी होती क्या चीज़ है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। एनओसी वो होती है जिससे हमारे लाइसेंस की जो है पूरी इंफॉर्मेशन आरटीओ द्वारा होती है कि हाँ भाई, ये बंदा यहाँ का है और इसका कोई भी जो है चालान यहाँ पर बाकी नहीं है, कोई भी आपका महंगा चालान बाकी नहीं है, या फिर कोई भी आपका केस जो है अब रह नहीं रहा है। बहुत से लोगों को ये डर होता है कि जब लाइसेंस बनवाते हैं, हमारी सरकार ये भी देखती है कि इसका कोई केस तो नहीं है, कहीं ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है, और इसीलिए वो एनओसी को मांगते थे, जिससे उसकी जो है पूरी डिटेल निकल सके, पूरी जानकारी हमारी सरकार को मिल सके। तो इसलिए वो इस एनओसी को जो है कागज़ रूप में देखते थे। लेकिन अब जो सरकार ने ये सर्कुलर लागू किया है, इसके द्वारा हम को जो है इस एनओसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और हम अपना जो भी लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं वो बिना इस एनओसी के करवा सकते हैं। वो क्यों है, क्योंकि पहले जो है कंप्यूटर पे सभी आरटीओ, दूसरे आरटीओ का या फिर दूसरे स्टेट का एनओसी या फिर लाइसेंस का पूरा जो है डिटेल नहीं निकाल सकते, पूरा डिटेल चेक नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या हुआ है कि सारथी नाम की एक एप्लीकेशन होती है, जो कंप्यूटर होता है उनमें सरकार ने ये लागू करके रखा था कि सारथी नाम की जो वर्जन था पहले, उसमें इसको हमारे जो भी लाइसेंस होते हैं उनका सभी डाटा जो है वहाँ पे निकाल सकते थे, चेक कर सकते थे। लेकिन उनको ये परमिशन नहीं थी कि वे किसी दूसरे स्टेट के जो भी लाइसेंस है उनका पूरा डिटेल निकाल सके या फिर चेक कर सके। लेकिन जो अब जो है सारथी का न्यू वर्जन आया है, इस वर्जन में जो है कोई भी किसी भी स्टेट का एनओसी या लाइसेंस का फुल डिटेल निकाल सकता है और उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। तो इसलिए जो है अब एनओसी की हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो एनओसी हमारे लिए अब मान्य नहीं है, क्योंकि आरटीओ या फिर डीटीओ फोन द्वारा ही उसको चेक कर लेगा और उसकी सारी डिटेल जो है वहीं पर वो। तो इसका जो है सारथी एप्लीकेशन का बहुत बढ़िया जो है काम रहेगा, और इससे हमारे जो भी चालान वगैरह हैं या फिर जो भी हमारे लाइसेंस में कमी है वो सरकार को दिख जाएगी, या फिर जो भी कर्मचारी है डीटीओ आरटीओ वो इसको पहचान पाएंगे। तो एक बहुत बढ़िया जो है सिस्टम है, ये बहुत बढ़िया ऐप है सारथी। और ई चालान पर भी जो है हमारा सभी डाटा जो है इसका लाइसेंस का चेक कर दिया जाता है, लेकिन पहले परमिशन नहीं थी, लेकिन अब न्यू वर्जन आने की वजह से परमिशन हो चुकी है और हमको बहुत लाभ इसमें होने वाला है। जो भी लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं हैवी या फिर कोई भी लाइसेंस मान लीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता था, अब जो है ऑनलाइन कंप्यूटर द्वारा ही सब चीज़ें चेक कर दी जाएंगी और आपका लाइसेंस वहीं से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप बनाना। तो ये कुछ नॉलेज थी आज की इस वीडियो में, और अब एनओसी की तो आपको ज़रूरत है नहीं, तो आप ये स्कीम मान सकते हैं, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है। क्योंकि अगर आप हरियाणा में रहते हैं और आप राजस्थान में रहने लगे हैं, तो वहाँ से आते और एनओसी निकलवानी पड़ती तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आपको हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम से आप जो है बच सकते हैं और बच जाएंगे आगे। तो न्यू में भी ये नियम लागू हो चुका है और रिन्यू करवाते हैं उनमें भी। तो ये सरकार ने एक बढ़िया फैसला लिया है, चाहे देरी से लिया है। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला है, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों के साथ। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।